नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर में। यहाँ गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में चल रही है किसान संसद। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आए हुए हैं और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग। यह किसान संसद बजट सत्र से ठीक पहले बुलाई गई है, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी सूरत में इन तीन कृषि कानूनों पर सुनने को तैयार नहीं। और ध्यान रहे, यह सब कुछ हो रहा है 26 जनवरी से ठीक पहले। 26 जनवरी को किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वह अपनी तरह से भारतीय गणतंत्र को मनाएंगे। यहाँ पर भीषण सर्दी में सर्द हवाओं के बीच लोग जमा हैं और आगे देश का भविष्य तय करने के लिए बैठे हुए हैं। अतुल, ये बताइए कि किसान संसद क्यों करनी पड़ रही है? पर एक तो साफ बात है कि जो असली संसद है वो लोक विरोधी हो गई है। असली संसद में लोगों की बारे में चर्चा, किसान कानूनों को लेके, श्रम कानूनों को लेके चर्चा, ना तो चर्चा अलाउ हो रही है, चर्चा हो ही नहीं रही है, किसी की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है। और अगर सुनी भी जा रही है तो उसमें अदानी और अंबानी के लिए फैसले हो रहे हैं। तो लोगों की संसद तो आज बनानी पड़ेगी, दुनिया को बताने के लिए, हिंदुस्तान के नागरिकों को बताने के लिए कि हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं उनकी क्या समस्या है और उनके लिए क्या कानून बनने की ज़रूरत है। किसान संसद से मुझे लगता है देश सुन रहा है। सरकार सुने ना सुने, आज देश ये आवाज़ सुन रहा है कि जो ये विकास की प्रक्रिया है ये लोक विरोधी है और लोगों के हक में कोई फैसले नहीं हो रहे। और समझने की ज़रूरत ये है कि ये एक जमहूरियत है, यानी हमारे संसद में ही लोक विरोधी फैसले हो रहे हैं। इसका मतलब किसान आंदोलन ने जो जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश चल रही थी, जिसको मैं कहता हूँ खोखला करने की कोशिश कर रही थी, उस खोखलेपन का जो तरीका था उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे नागरिकता कानून हो, चाहे लॉकडाउन हो, कोई भी फैसला लोक के हक में नहीं था। आप तो किसान नहीं हैं जी, आप पढ़ाते हैं, आप अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ क्या? मेरे को लगता है कि हमें तो किसान आंदोलन ने इतना बड़ा सबक सिखाया है कि जो ये विकास की प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया को समझने में जो कई बार दिल्ली में बैठे या हम लोग जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं अपने निर्णय करते हैं, अपने फैसले करते हैं, अपनी समझ बनाते हैं, वो कैसे लोगों के हक में है या नहीं है, ये किसानों का जो ज़मीनी अनुभव है उसने हमारे आगे सवाल खड़ा किया है कि हमें दोबारा पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हम जिस विकास के लिए इतना जोर लगाते हैं अर्थशास्त्रियों के तौर पर, वो विकास का मॉडल लोगों के लिए लोक विरोधी है। और इसलिए विकास के सवाल को ही नए पैमाने पर सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हर अर्थशास्त्री को, हर समाजशास्त्री को यहाँ आना चाहिए, लोगों के जो विचार हैं उनको समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किस जिस तरह से किसान आंदोलन ने इन किसान कानूनों की खामियों को रखा है वो इतना स्पष्ट और साफ रखा है, जिसमें लगता है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मेरा ये कहना है कि ये कामयाब हो गया है। मतलब सरकार घबराई हुई है और हम लोगों ने अपनी एकता दिखाई है। किसानों ने जिस तरह से अलग मज़हब के, अलग प्रदेश के, अलग भाषा के लोग इकट्ठा खड़े हैं, यही हमारी जीत है। सरकार हिल गई है, बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ा पाएगी। अगर वो बढ़ाए भी तब भी हमारी जीत है। मुझे लगता है कि यही एक तरीका है कि हम लोग लड़ सकें, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सभी इकट्ठा खड़े हों। यही ये आंदोलन दिखा रहा है और यही इसकी जीत है। क्या आपको लगता है लेसन्स किसान आंदोलन दे पाया है अभी तक? देखिए, पिछले साल जब शाहीन बाग में लड़ाई चल रही थी और सिख किसान वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि हम लंगर अपनी शाहीन बाग की बहनों को के लिए चलाएंगे, वो भी देसी घी का, हमने एक बंटवारा देखा है, हम दोबारा नहीं होने देंगे। और इसी तरह से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो मलेरकोटला के जो मुस्लिम नौजवान थे उन्होंने लंगर में भाग लिया। मुझे लगता है कि यही तरीका है। अब हरियाणा और पंजाब का इतना बड़ा दरार था वो पट गया है। ये सारी दूरियां जो सरकार हमारे बीच में डाल रही हैं, हम उन दूरियों को जोड़ने और इकट्ठा खड़े हों सरकार के कि मतलब किसी के साथ अन्याय है, मैं किसान नहीं हूँ फिर भी मैं अपने ऊपर अन्याय मानता हूँ और मैं साथ में खड़ा हूँ, यही हमारा तरीका है लड़ने का। और अगर हम ये करें तो आरएसएस का जो पूरा एजेंडा है वो टूट जाएगा। आप दिहाड़ी करते हैं? दिहाड़ी करते हैं पंजाब से ही।
हाँ जी, आपने कोलो पैसा दे के किसी दिहाड़िए नो यहाँ पर पहुँचा आपने? मेरा नाम रुपिंदर सिंह जी, पंजाब से ही, पिंड मिश्री वाला जी, पंजाब से, जिला फिरोजपुर, पिंड मिश्री वाला जी। नौजवान यहाँ पर काफी संख्या में है। हाँ जी, अभी आपको क्या लगता है 26 तारीख है? जरूर जीत के जावांगे जी, भावे तो इतने 26 तारीख नूं तो जरूर जीतांगे ना, ते ना उन्हें हाँ फड़ाई तो फिर इतने ही हाँ, कोई बात नहीं। जीत के जावांगे जी, 2 महीने तो हो गए आपको, कोई बात नहीं, होर भी होण भी बैठे हैं। लोगों का कहना है, सरकार का कहना है कि पंजाब हरियाणा के अलावा बाकी किसान नहीं आए? सब आए ने, सब आए यार, हाँ जी सब आए ने, मजदूर भी इत्थे पहुंच चुके आई, ठीक है ना। मैं किसी जिमीदार ना लगा हुआ साल पर, उस दे काम ते मैं दिहाड़िया छड़ के बंदा कोई होर आपदे कोलों पैसा उसको दे के फिर यहाँ पर आया। ट्रैक्टर मार्च निकलेगा? पक्का निकलेगा, हर हालत निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? असी इस देश वासी इस देश के, साडा हक बनता है, अं किसान हाँ, सारी अं उपजाऊ करते हैं, हर एक ढिड भरते हैं। मेरा नाम तनवीर है, मैं मजदूर हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, नरेला में, किसान का बेटा हूँ, किसान के दुर्द को समझता हूँ। 70 सालों से हमारे देश में किसान का शोषण सभी पार्टियाँ करती चली आई, लेकिन जितना शोषण 70 साल में सब पार्टियों ने किया, इस मोदी सरकार ने 6 साल में उससे दुगना शोषण किसान के साथ किया। आपको क्या लगता है कि मजदूर किसान के साथ आएंगे? लेकिन दोनों के सवाल तो अलग अलग हैं। मजदूर किसान के साथ आएगा, गरीब किसान के साथ आएगा, 98% भारत किसान के साथ आएगा और आ चुका है। वो जो मूर्ख लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा यहाँ है, वो बहुत बड़ी मूर्खता में, हिंदुस्तान के कोने कोने की सड़कों पे जाकर देख लो, किसान मार्च कर रहा है, चल रहा है, दिल्ली के लिए आ रहा है। हमारे यहाँ योगी सरकार ये कर रही है, जो ये किसान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, यहाँ अगर कोई किसान आना चाहता है, कोई मजदूर आना चाहता है, तो योगी सरकार ने एक ऐलान किया है कि इसको वहाँ जाने नहीं देंगे, वो घर पे पुलिस बैठा देती है, उसके पीछे पुलिस लगा देती है। और आपको भी क्या नोटिस मिली है? हमको नोटिस मिली है, हमारे 100 साथियों को नोटिस मिल चुकी है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि आप दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे तो 1 लाख से 5 लाख तक रुपया आपको जुर्माना पड़ेगा। ऐसी नोटिस 100 लोगों को मिली है? 100 लोगों को मिली है ऐसी नोटिस। ये 100 लोग सीतापुर के हैं या अलग अलग जगहों के हैं? ये सीतापुर के हैं, कुछ बनारस के हैं, कुछ लखीमपुर के हैं, हरदोई के हैं, बहराइच के हैं, ऐसे करके हर अलग अलग जिले के हैं, लेकिन सीतापुर के 100 लोगों को नोटिस मिल चुकी है। तो नोटिस के बाद काफी डर हो गया होगा? नहीं, डर नहीं हुआ है। अब जो लोग डर नहीं रहे वो नहीं डरेंगे, जो डरते हैं वो तो डरेंगे, लेकिन डर नहीं लग रहा है। अगर वो हमको नोटिस देंगे, हमको नोटिस दिया है कि आपको 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माना पड़ेगा, हम लोग ये सोचते हैं अगर जिस दिन हम योगी सरकार को नोटिस देंगे, उनको अडानी अंबानी ढूंढे नहीं मिलेंगे। हम जानते हैं, नोटिस हम देंगे 22 में, उनको नोटिस देंगे हम 22 में। हमारे पास पीछे हटने की जगह नहीं है, इन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए, रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, शिक्षा को महंगा कर दिया, स्वास्थ्य को महंगा कर दिया, अब एक खेती भी हमसे ये अगर छीन लेंगे, कॉरपोरेट के हाथ में दे देंगे, तो हम इस देश में क्या हम जिंदा नहीं रहें? हमारा इस देश पर हक नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है, आंदोलन हमारा शौक नहीं है। सबसे सर्द रातों में हमने दिल्ली की सड़कों पर बिताया है, सबसे बरसात में 2009 के बाद आप ही लिख रहे हैं कि सबसे भीषण बरसात हुई 2 जनवरी को, और उसको हमने यहाँ बिताया है। हमारे 143 किसान मर गए, शहीद हो गए बॉर्डर पर, तो हमारा यह शौक नहीं है, हमारी यह मजबूरी है। प्रशांत, आप कॉरपोरेट के जो दबाव रहा है, कॉरपोरेट जिस तरह से नीतियों को रेगुलेट करती रही है, उस पर आप बहुत तीखा सवाल उठाते रहे हैं। पहला आंदोलन है जिसने 2 कॉरपोरेट घरानों को निशाने पे लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अभी तक ये होता था कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अंबानी और अदानी जैसे हैं, ये अपने पैसे से, अपने इन्फ्लुएंस से सब लोगों को अपने कब्ज़े में रखते थे, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, मीडिया को भी। पहली बार किसानों ने खुलकर और जमकर
ये जो बड़े घराने हैं जो कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपनी नीतियां, अपने कानून बनवा लेते हैं अपने हक में, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला इस किसान आंदोलन के जरिए हुआ है। किसान आंदोलन देश को जोड़ रहा है। तीन कानून तो वापस होंगे ही, लेकिन हमने पंजाब हरियाणा को मिला दिया, भाईचारगी पैदा कर दी। यह आंदोलन पूरे देश को जोड़ रहा है, पंजाबियत से पूरे देश को परिचित करा रहा है। और पंजाब के भाई जरूर सैल्यूट के काबिल हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है। यह बिहार में भी चल रहा है आंदोलन, यह पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। बिहार में हमने 29 तारीख को पहले से भी कार्यक्रम है, लेकिन 29 दिसंबर को 40,000 से ज़्यादा लोगों का बड़ा प्रदर्शन किया, जिस पर लाठियां चली, हमारे साथियों के सर फटे, खून बहा पटना की सड़कों पर। हमने 22 जिलों में अभी 10 दिन 11 दिन तक लगातार धरना चलाया। आगे हम 26 जनवरी को वहां भी प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं, और गांधी जी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को एक विशाल ह्यूमन चेन बनने जा रहा है, जो कम से कम सैकड़ों किलोमीटर का होगा पूरे बिहार में। और आगे भी कार्यक्रम फरवरी में तय किए जाएंगे पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में। अभी 20 तारीख को कलकत्ता में रैली हुई, बॉम्बे में रैली हुई, तंजावुर में, जिस दिन हम पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, तमिलनाडु के तंजावुर में रैली हो रही थी। तो पूरे देश में यह आंदोलन भड़क चुका है। मोदी जी की खैर इसी में है कि वो तीनों कानूनों को वापस करें और देश में अपनी जमीन खिसकने से वो थोड़ा सा बचा लें। आगे क्या होगा? अभी तो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने 26 के लिए परमिशन दे दी है कि आप ट्रैक्टर रैली कर सकते हैं, अलग ढंग का गणतंत्र मना सकते हैं। देखिए, ये आगे क्या होगा इज़ ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है कि अगर 26 जनवरी को, जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि एक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जो किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, मुझे लगता है कि वो इट विल एक्चुअली शो अस दी पावर ऑफ किसान एंड जवान। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज होगा जो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। और मैं देख रहा हूँ पंजाब में, अगर आप मूव कर रहे हो तो पंजाब में एक उल्लास की फीलिंग है, मतलब दे फील सो एक्साइटेड कि हम एक रिपब्लिक डे में हमारी उसमें भागीदारी होगी। पहली बार उनको शायद लग रहा है कि एज ए कॉमन मैन भी उसमें जा सकेंगे। पहली बार रिपब्लिक डे जनता अपने ढंग से मना रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि उनको लग रहा है कि पहली बार ये जो रिपब्लिक डे होगा वो हम सब के योगदान से होगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि सरकार ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, अपना सब कुछ दिया, वो इम्पोर्टेंट है, हम नहीं कहते कि वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कम से कम एक सोशल जो एंगल है उसकी भी एक कंट्रीब्यूशन है या इन्वॉल्वमेंट है, वो पहली बार नज़र आएगी। और मुझे लगता है कि उस पर दुनिया का फोकस है आज, और वो जो दुनिया का फोकस है उससे किसानों की जो मूवमेंट है या किसानों की जो ताकत है या किसानों का जो कद है वो अब बढ़ गया है। ये हमें बहुत समझना जरूरी है कि आज तक किसान जो है वो ही वॉज ए बर्डन ऑन द कंट्री, लेकिन आज किसान इतने फ़कर से घूम रहा है सारे देश में। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चेंज हुई है ये किसान मूवमेंट के द्वारा। क्या पॉलिटिकल हल दिखाई दे रहा है आपको? हल निकालना सरकार की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल स्पष्ट है और सही है कि तीनों कानून रिपील होने चाहिए, समर्थन मूल्य उनको अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। और जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक बड़े कॉरपोरेट घरानों की सरपरस्ती में किसान को अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनाकर, उसे अपनी ही ज़मीन से बेदखल करके, उसकी मर्जी के बगैर उससे खेती करवाने का जो षड्यंत्र है, उसके खिलाफ एक पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है। मोदी समझते हैं कि वो एम्परर है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री होता है तो आदमी सुनता है। वो उन्होंने किसानों ने उनको बनाया, उन्होंने किसान नहीं पैदा किए हैं, और उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल वर्ड है। आपको अब क्या लगता है कि पार्टियां आएंगी? बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 28 से। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला तो लिया है परसों की आल पार्टी मीट करके इसको एजिटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कब होता है आल पार्टी मीट हो इसके ऊपर। और एक पूरे देश में फैल गया। मैं सलाम करता हूँ किसानों के जज्बात को, पंजाब के साथियों के जज्बात को, कि जो कोई न कर सका इन्होंने कर दिया। पॉल, आप दलित मुद्दों पे, दलित आर्थिक अधिकार पे काम करते हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं किसान संसद में? ये सिर्फ एक ही स्लोगन हमारा है, ये श्रम हमारा है, फसल हमारा है, जमीन पर हक भी हमारा है, मंडी भी हमारा है,
क्यों वो पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन बीच में क्यों आना है? ये पूरा एंटी वो एंटी लोग को एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हम प्राइवेटाइजेशन को खिलाफ है। जो मजदूर लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं तो उनका एक ही कहना है कि हम लोग अभी ये जो कृषि की कानून के खिलाफ है उसका रिपील होना चाहिए, अभी ये मुद्दा यही है। मुझे लग रही है कि जो किसानों जो ये उनकी मुद्दे उठा रहे हैं वो शायद देश के लिए एक बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि जितने हमारी प्रोपोर्शन में किसान लोग हैं वो देश की एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, और ये पूरी देश की नींव भी है, और वहाँ से शायद बहुत सारी इकोनॉमी को हमको शुरुआत करना है। बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट लेसन हमारे लिए है कि हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन क्या होना है और हमारी अप्रोच टू ग्रोथ क्या होना है, ये हमें किसान यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारा भी देश है जे, हम भी देश को उतना प्यार करते हैं, हम भी 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लेके जाएंगे, हम किसानी का झंडा लेके जाएंगे, हमारा भी देश है, हमारा भी उतना हक है, जे केले किसी वर्ग का नहीं है हक। सरकार बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि औरतों को वापस चले जाना चाहिए, औरतों को नहीं रहना चाहिए। औरतें भी तो कंधे से कंधा जोड़कर चलती है आदमी के साथ, इसलिए औरतें तो कभी पीछे नहीं हटेंगी। मोदी सरकार सिर्फ एक गुरूर है उसके मन में कि मैं इसे पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन किसान जो है ना वो भी इसे पीछे हटाकर ही रहे दम लेंगे। हिम्मत है और जज्बा है। किसान आंदोलन एक नया इतिहास बना रहा है। यह किसान आंदोलन गणतंत्र को अलग ढंग से मनाकर लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रैली निकालकर पूरी तरह से मुस्तैद है कि जनतंत्र को जिंदा रखा जा सके। और जिस तरह से किसान संसद हो रही है, जिस तरह से किसान संसद में अलग अलग ढंग की आवाज़ें आईं, बुद्धिजीवी जुटे, नेता जुटे, किसानों के पक्ष में भारत को खड़ा करने की जो कोशिश है वह कामयाब दिख रही है, और यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। Thank you.